अल्लाह हू अकबर। इस फैमिली के लिए एक नलके की ज़रूरत है। इनका जो नलका है ना, हैंड पंप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो किस कंडीशन में है। अल्लाह पर, ये मतलब कि ये देखिए, वो यहाँ से इसकी टचिंग वगैरह जो ना वो हो चुकी है, लेकिन अब ये बिल्कुल बेकार और नकारा हो चुका है। दो तीन दिन पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पर बारिश आई है, और वो भी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका घर का घर कमरे की जो छत है ना वो बिल्कुल गिर चुकी है। यहाँ से देखिए इनके कमरे की जो छत है ना वो देखिए, वो बिल्कुल गिर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। आज हम इस बेवा बहन के पास आए हैं। इस बेवा बहन का एक कमरा था और वो इस बारिशों में गिर चुका है, जो चंद दिन पहले आए हैं। इनकी दीवार थी, वो दीवार भी गिर गई है, और इनका कमरा है वो भी गिर चुका है। और इस फैमिली के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं और हमारी बेवा बहन है, इसके लिए आप लोगों की मदद चाहिए। इनका जो नलका है वो भी, उसकी कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है, नलके की कंडीशन भी मैंने आपको दिखा दी है, और इनके घर की पूरी कंडीशन दिखा दी है। कमरे की छत है वो गिर चुकी है, और कमरे की दीवारें जो है ना वो भी बिल्कुल डैमेज हैं। ये नहीं है कि इसकी छत की रिपेयरिंग वगैरह कराई जाए, बल्कि पूरा कमरा ही दोबारा से स्टार्ट से ही बनाया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ईंटें हमारे पास मौजूद हैं, अगर एक ट्रॉली वगैरह भी, एक ट्रॉली ईंटों की आ जाएगी, तो इसके बाद जो है ना कमरा पूरा इनका तमीर हो सकता है। इनके गाटर वो मौजूद हैं। चाहिए, आइए हम अपनी बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या हाल है भैया? हम बहुत मजबूर हैं, मेहरबानी करके हमें ये मकान दोबारा तैयार करवा दें। नलका वगैरह कुछ, वाशरूम भी ठीक नहीं है, दरवाजे वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, छत बारिश की वजह से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बहुत परेशान है। हम, हमारी मदद करो भाई। हमारे नलके की वजह से बहुत टेंशन है, इसलिए किसी के घर से पानी लेकर आते हैं तो लोग पता है तरह तरह की बातें करते हैं, फिर पानी भी भरने से रोज़ रोज़ कौन देता है, वो कहते हैं हमारे भी ख़राब हो जाएंगे। नलके की वजह से बहुत परेशान है, और हमारी छत भी बहुत ख़राब हो गई, हम बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर अंदर देखो, देखें अगर इस हमारी बहन की और छोटे छोटे बच्चों, चले अंदर चले बेटा, तो इनके कमरे, इनके कमरे की, एक ही कमरा था इनका, और उनके कमरे की जो छत है ना वो बिल्कुल गिर गई है। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत ज़्यादा परेशान है, देखो हमारा कमरे की सारी छत गिर गई है, इधर से सारी दीवारें फट गई हैं, अब ये दोबारा बांध भी नहीं सकता, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करें। इस बेवा बहन की मदद के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया कि इस पर रब्ता करके आप इस बहन की और इन छोटी छोटी यतीम बच्चों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा फरमाए, और ये आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस फैमिली के लिए एक नलके की ज़रूरत है, और इनके कमरे की छत जो है ना वो गिर गई है, उसके लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, ये मदद की ज़रूरत है। इनके लिए नलका मौजूद नहीं है, ये देखिए जो इनका नलका है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और टूट फूट का शिकार हो गया है, कि इनकी जो सामने वाले जहाँ से पानी निकलता है वो भी टूट गया है, और नीचे से भी लीक हो चुका है, तो मतलब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। और ईंटें मौजूद हैं, इनका कमरा जो है ना वो गिर गया है, तो आप लोगों की मदद चाहिए, ताकि ये बेवा बहनें और यतीम बच्चे आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें।